हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक काफ़ी यूनिक वीडियो है। अगर आप शेयर मार्केट से इनकम अर्न करते हैं तो उसके लिए मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आप ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, ITR 4 आप शेयर मार्केट की इनकम के लिए फाइल कर सकते हैं। प्रिजम्प्टिव बेसिस टैक्सेशन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर तरीका बताने वाला हूँ कि ITR 4 आपको किस तरह से फाइल करनी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कंडीशंस हैं। जब आप ITR 4 फाइल करते हैं तो उसके साथ कुछ कंडीशन भी आपको फॉलो करनी रहती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफी शॉर्ट में वीडियो रहेगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। ये www.incometax.gov.in ये हमारा पोर्टल है। इस पर आपको अपना पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर नहीं किया हुआ है। देन लॉग इन करके जो भी फर्स्ट टाइम आपने यूजर आई डी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, यूजर आई डी जो होता है वो पैन कार्ड होता है, उसके बेस पर ही आप यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। ये आपकी स्टेटमेंट है, कुछ इस तरह से ही आपकी डीमैट अकाउंट से स्टेटमेंट डाउनलोड होगी। अलग अलग आपको अलग अलग डीमैट अकाउंट से डाउनलोड कर लेनी है। अगर सिंगल डीमैट है तो आप सिंगल डीमैट अकाउंट से भी इसको फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर भी शो हो रही है, तो ध्यान रखिएगा जो आपने स्टेटमेंट डाउनलोड करी है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लॉग इन करके आपको फाइनल बताने वाला हूँ कि हम ITR 4 किस तरह से फाइल करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है ई फाइल पे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। अब यहाँ से हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका जो भी आपका लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है उस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे यहाँ पर हमने 2023 सेलेक्ट किया है असेसमेंट ईयर, इसका मतलब है ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए हम ITR फाइल करने वाले हैं। ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे नॉर्मल सभी फॉर्म के लिए अप्लाइड होता है। बट जो ITR फॉर्म 2 और 3 है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ITR 4 आप फाइल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रिजम्प्टिव बेसिस टैक्सेशन के लिए है, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात नहीं है। बट इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, अगर आप इस रेस्ट्रिक्शन में फॉलो करते हैं तो आप ये फिर फाइल नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लिखी हुई है कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ये फाइल नहीं कर पाएंगे इस ऑप्शन आपके पास, या फिर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा जो टोटल इनकम है वो इंडिविजुअल और HUF के केस में 50 लाख रुपीज, और अगर बिजनेस या प्रोफेशन है तो तभी हम इसको यहाँ पर ऑप्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर छोटी सी एक कंडीशन है, यहाँ पर इनकम लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टर्नओवर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसके लिए हम प्रिजम्प्टिव के लिए जो टर्नओवर है वो मैं भी बताने वाला हूँ कितने टर्नओवर तक आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा टर्नओवर है तो फिर आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक फॉर्म ओपन हो गया, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर उसके बाद ये ग्रोस टोटल इनकम, इसी के अंडर में हमें वैल्यू एंटर करनी है। पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके इसको फाइनल कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो डिटेल्स हैं वो आपको पहले सबमिट करनी पड़ेगी, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पर यहां पर जा पाएंगे। देन उसके बाद मैंने ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर जो कुछ पॉइंट्स आएंगे जो सैलरी इनकम के रिगार्डिंग होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि अगर आपकी सैलरी इनकम है और आपको यहाँ पर कोई एग्जम्पशन मिल रही है सेक्शन 10 के अंडर में, वो आपको यस करके यहाँ पर फीड कर देनी है। क्योंकि मोस्टली केस में होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी सैलरी इनकम भी होती है साइड बाई साइड, पर ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर केवल 4 हेड्स ऑफ इनकम दिए गए हैं। इनकम के 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कैपिटल गेन का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अगर आपका कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में डील करते हैं, तब क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आप ये जो बिजनेस कोड लिखा हुआ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहां से आपको बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग और या फिर फ्यूचर ऑप्शन या फिर शेयर मार्केट के लिए जो भी इसमें से आपको ऑप्शन बेटर लगे वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप अदर्स में भी सेलेक्ट करते हुए इसको ले सकते हैं। बट हो सकता है कि मैं यहां पर आपको कोई कोड बता दूं और आपका कोई सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस भी हो, तो फिर आप
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीपल एड्स करेंगे। और नेम में अगर आपका कोई बिजनेस नेम है, जैसे किसी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म चला रहे हैं तो बिजनेस नेम यहाँ पर आएगा, बट जो शेयर मार्केट की इनकम है उसके लिए आप अपना नेम से भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आपके लिए कौन से ऑप्शन वैल्यूड करेंगे, एक तो ये वाला ऑप्शन रहेगा पहले वाला, देन उसके बाद उसकी इनकम जो कि हम प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन इनकम में फीड करेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये फॉर्म है आईटीआर फॉर्म, इसमें आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन इनकम में जो टर्नओवर है वो अपनी यहाँ पर आप 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर शो कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर यहाँ पर आप भर सकते हैं, बट उसका आपको 6% तो मिनिमम वैल्यू है, ज्यादा तो जितना आप ज्यादा दिखाना चाहे उतना दिखाना पड़ेगा आपको, बट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है, 6%। अगर आप ज्यादा दिखाना चाहते हैं, वैसे कोई भी इसमें ज्यादा नहीं दिखाना चाहेगा। मोस्टली केस में क्या होता है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड आपको करना होता है, तो लॉस के लिए आईटी फॉर्म काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 करोड़ की वैल्यू ले लेता हूँ तो उसके हिसाब से मुझे 6 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना होगा। अब यहाँ पर देखिए ये मैसेज आएगा कि अगर आप ये फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 6% का कम से कम यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट आप यहाँ पर 6 लाख रुपए दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं 6 लाख रुपए यहाँ पर दिखा के और इसको मैं ऐड कर देता हूँ भी। अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि बिना कोड लिए तो ये हमें सेव नहीं करने देगा डाटा। देन उसके बाद यहाँ पर हमने ये वाली कंडीशन एंटर कर ली। अब उसके बाद 6 लाख रुपए में से अगर आपकी कोई डिडक्शन है, जस्ट लाइक एटीसी में 1 लाख की डिडक्शन है, तो आप यहाँ पर 5 लाख तक की आईटीआर दिखा के बिना किसी टैक्स को पे किए हुए अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई टैक्स हमें यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, जब आप ये रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन ले रहे हैं, ये सेक्शन 44AD में आपकी जो है रिटर्न फाइल हो रही है, तो इसके केस में जो है आपको 6% का कम से कम प्रॉफिट दिखाना है, क्योंकि आपकी सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है तो 6% लगेगा, 8% नहीं लगेगा। बट आप जो है कोई भी इसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक पॉइंट और भी है कि अगर आपने 44AD प्रिजम्प्टिव के अंदर में अपनी रिटर्न फाइल कर दी शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन के लिए, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर, ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार आपने ये ऑप्ट कर लिया तो फिर नेक्स्ट ईयर भी आपको इसी 44AD में रहना पड़ेगा और ये प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट दिखाते हुए आपको जो है टैक्स पे करना होगा। हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट ईयर में कोई इनकम आ जाए, जैसे सैलरी की हो गई या फिर हाउस प्रॉपर्टी, या फिर हो सकता है कि आपके पास अदर सोर्स की इनकम आ जाए, जैसे कि FD का इंटरेस्ट हो गया, RD हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और कैपिटल गेन भी हो सकता है। अब दिक्कत क्या है कि क्या हम ये आईटीआर नहीं फाइल कर पाएंगे, तो अगर आपने नेक्स्ट ईयर में ये चाह कि हम ये यहां पर लॉस दिखाएं, लॉस कैरी करना चाहते हैं आप, या फिर 6% से कम का प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफी बढ़ाना करते हुए मैं इसको जल्दी से यहां पर क्लोज करने वाला हूं। बिलो 6% आप यहां पर प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई अदर बिजनेस भी यहां पर रहा हो, तो फिर आपको यहां पर टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 44AD यानी कि हम इस फॉर्म के थ्रू जब रिटर्न भरते हैं तो उसके अपने फायदे भी है, नुकसान भी है। ITR 4 एक सिंपल सा फॉर्म है और ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन को कवर करता है, बट ये जो टर्नओवर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें टर्नओवर केवल अप टू T2CR तक ही आप इसको क्लेम कर सकते हैं। 2 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी यहाँ पर टर्नओवर आती है तो आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने अलग से फॉर्म वीडियो में बताए हुए हैं। ITR 3 आप फाइल कर सकते हैं, ITR 3 में ही आपको ये रिटर्न भी फाइल करनी चाहिए। मैं आपको इनडायरेक्टली क्या समझा रहा हूँ कि आप अगर 44AD में एक बार चले जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास काफी क्वेरी आ रही थी, सर मैं ITR 3 क्यों बोलते हैं आप, या ज्यादातर जो भी यूट्यूब पर वीडियो है उसमें क्यों लिखा हुआ है कि ITR 3 ही फाइल करे। ITR 3 इसलिए आपको फाइल करना है क्योंकि आप ITR 3 अगर फाइल करते हैं तो आपको ये टैक्स ऑडिट का पंगा नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसको नोट कर लीजिए, 10 करोड़ तक आपको लिमिट मिलेगी, आपको कोई टैक्स ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी।
आईटीआर 3 आप फाइल करिए, आईटीआर 3 में किस तरह से इनकम दिखानी है मैंने पूरी रिटर्न बताई हुई है। आप चैनल पर जाइए, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सीए पुनीत जैन के नाम से, वीडियो सेक्शन में जाना है आपको, यहाँ पर आपको आईटीआर 3 की लेटेस्ट वीडियो मिलेगी। ये आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ यहाँ पर कवर किया हुआ है। या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आईटीआर से रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसमें कि आईटीआर कैसे फाइल करना है, सारे फॉर्म यहाँ पर अपलोडेड है, जीएसटी के, इनकम टैक्स से सारे वीडियो को अपलोड किया गया है। अब यहाँ पर आप जल्दी से समझ लीजिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। आप आईटीआर 4 फाइल तो कर सकते हैं, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में वीडियो का, यही स्टार्ट किया था कि आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन के लिए, बट कैपिटल गेन की इनकम आप उसमें शो नहीं कर सकते, क्योंकि उस फॉर्म में जो है ऑप्शन ही नहीं है, कैपिटल गेन जो है वो अलाउड नहीं है। तो आईटीआर 3 फाइल करें, आईटीआर 3 में आप सब तरह की इनकम दिखा सकते हैं, कैपिटल गेन की भी इनकम आप उसमें आराम से दिखा सकते हैं। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड करी है, आप ध्यान से देखिए, इस वाली स्टेटमेंट में यहाँ पर कुछ कैपिटल गेन आ रहा है और लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। देन उसके बाद कुछ यहाँ पर स्पेशल ट्रांजेक्शन है स्पेकुलेटिव बिजनेस की, वो यहाँ पर आ रही है, तो ये कितनी मिनिमम सी ट्रांजेक्शन है। तो आप फालतू में ही टैक्स ऑडिट के चक्कर में ना पड़ के, अगर आपकी टर्नओवर स्पेकुलेटिव हो या नॉन स्पेकुलेटिव हो, वो आपकी टर्नओवर अगर 10 करोड़ तक की है, ध्यान से देखिएगा 10 करोड़ तक की है, और आपके अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है, जैसे सैलरी की इनकम है, तो केवल आपको सैलरी पर ही तो टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर आप ITR 4 भर के, और यहाँ पर लेट से अगर हम कहते हैं कि अगर आपने 2 करोड़ तक भी इसको यूज कर लिया, तो 2 करोड़ का यहाँ पर 6% यानी कि 12 लाख तक आपको दिखा के यहाँ पर टैक्स पे करना होगा। तो फालतू में ये वाला टैक्स आप क्यों यहाँ पर एनेबल कर रहे हैं, और ये वाला एक बार ऑप्शन लेने के लिए 5 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। फिर 5 साल तक आपको या तो ये है कि अगर इससे आपको बाहर जाना है, मतलब 4480 से बाहर जाना है, तब भी आपको ITR 3 भर के यहाँ पर टैक्स ऑडिट कराना होगा। तो इससे बेटर है कि आप ITR 3 फाइल करें, ITR 4 फाइल ना करें। फिर भी अगर आप ITR 4 फाइल करना चाहते हैं, वो किस केस में फाइल कर सकते हैं, आपकी कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, यहां पर आपकी कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है, देन आपकी सैलरी की इनकम हो, या फिर अगर मैं यहां पर लिख दूं कि आपकी अदर सोर्सेस की इनकम हो गई, या फिर आपकी सैलरी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, ये आपकी कोई भी इनकम इस तरह की नहीं है, और आप केवल सिंपल ट्रेडिंग करते हैं, और अभी आपकी जो है ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, 2 करोड़ से कम टर्नओवर है, और आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर 6% दिखाऊं, किसी भी तरह का मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करने पड़े, मैं यहाँ पर टैक्स पे करूं इसकी 6% दिखाते हुए, या 1 CR का अगर मैं लूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 6% दिखाता हूँ तो 6 लाख रुपए आते हैं, बाकी इसमें डिडक्शन अगर आप लेस करेंगे 1 लाख तक की, तो 5 लाख तक की वैल्यू आ जाएगी, 5 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो अगर ये सिंपल सिनेरियो बनाए कि एक पर्सन है, उसकी कोई इनकम नहीं है, और उसकी यहाँ से 6% लेने के बाद, इस टर्नओवर का 6% लेने के बाद, कुछ डिडक्शन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो 5 लाख तक का है, तब तो उस पर्सन को फायदा है। बट लेकिन हो सकता है अगले सालों में उसको टर्नओवर ज्यादा हो जाए, या वो ट्रांजेक्शन करे, या कैपिटल गेन भी आ जाए। तो बेसिकली ये वाला जो सिनेरियो है ITR 4 फाइल करने वाला, शेयर मार्केट के लिए वो किसी भी तरह से बेस्ट नहीं रहता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, आप ITR 3 को फाइल करें। अगर आप केवल और केवल कैपिटल गेन की इनकम में है, मतलब आप जो है इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में आप डील नहीं करते हैं, आपकी कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शंस हैं, कैपिटल गेन प्लस ये वाली हेड्स ऑफ इनकम जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, 4 हेड्स कवर कर लिए हैं, तो आप आराम से ITR 2 फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कब कौन सा फॉर्म फाइल करना है। बट ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर आप ITR 4 क्यों मना कर रहे हैं, ITR 4 भी तो हम फाइल कर सकते हैं शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि बिजनेस आपका स्पेकुलेटिव हो या फिर नॉन स्पेकुलेटिव हो, आप दोनों के लिए जो है 44AD यानी के 44AD प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं, पर उसको ऑप्ट करने के क्या नुकसान है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेते हुए, ये एक PDF की फाइल है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैंने काफी अच्छे से आपको समझा भी दिया है, आप इसको देखते हुए अपना डिसीजन लेते हुए ITR फाइल करें। ITR के सारे फॉर्म की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, आपको इसमें टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है किसी को ITR 4 बनने में भी इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।